सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी मुख्य बड़ी खबरों में स्वागत है। बहनों, सबसे पहले तो हम बता दें कि आप लोगों के आंगनबाड़ी का जो ये एड्रेस है यह नहीं बदला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ता बहनें चाहती थीं कि उनका यह गहरे गाजरी रंग का ड्रेस जो कि डार्क नीले बॉर्डर के साथ है यह न बदले, तो साड़ी का रंग नहीं बदला गया है और ना ही सहायिकाओं के साड़ी ड्रेस का रंग बदला गया है। इसमें भी रामा ग्रीन कलर का बॉर्डर और हल्के गाजरे रंग की साड़ी का ही बॉर्डर वाली साड़ी है और इन साड़ियों का 1000 रुपये आप लोगों के खाते में भी भेज दिया गया है। तो अपने अपने खाते को बहनों ज़रूर चेक करिएगा। मानदेय वाले खाते में ही आपके 1000 रुपये आया है। 500 रुपये की एक साड़ी के हिसाब से दो साड़ियों का जो है कि पैसा आप लोगों के खाते में आया है। इसका आदेश लेटर भी हमने आपको पहले कई वीडियो में दिखाया है। एक बार हम आपको और बता देते हैं आखिरी बार कि यह जो निर्देश आया था कहाँ से, देख सकती हैं संचनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से, जो कि प्रति है यहाँ पे देख सकती हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास समस्त जिला मध्य प्रदेश। यहाँ पे विषय में आप देख सकती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साड़ी यूनिफॉर्म हेतु निर्देश है। अब यह निर्देश क्या है हम आपको हाईलाइट में थोड़ा सा बता भी देते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं प्रत्येक को दो दो साड़ियाँ यानी कि जो यूनिफॉर्म है उसको क्रय किए जाने हेतु प्रति साड़ी 500 रुपये मात्र के मान से जिलेवार बजट जारी किया गया है। मतलब कि 500 रुपये की प्रति साड़ी के हिसाब से दो साड़ियों का है, मतलब दो दो साड़ियां सभी लोगों के लिए है, चाहे कार्यकर्ता हों चाहे सहायिका हों चाहे मिनी कार्यकर्ता बहने हों, तो दो साड़ियों के हिसाब से 1000 रुपये जो है कि 30 सितंबर तक ही भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उम्मीद है सभी के खाते में यह पैसा 1000 रुपये साड़ी का आ ही गया हो गया। जिन बहनों का आया है वह भी ठीक है, जिन बहनों का नहीं आया है तो किस जिले का नहीं आया है तो आप कमेंट करके बहनों हमको ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे आपको साड़ी के रंग पर भी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है जहाँ पे बताया गया है कि सहायिका हों मिनी बहनें हों या कार्यकर्ताएँ हों उनको खरीदे जाने वाली साड़ी यूनिफॉर्म के रंग का विवरण यहाँ पे निम्नानुसार है। अब आप देख सकती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मिनी कार्यकर्ताओं के हेतु गहरे नीले रंग के बॉर्डर वाली गहरी गाजरी रंग की साड़ी जो कि मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था, यह देख सकते हैं कि गहरे नीले रंग के बॉर्डर वाली गहरे गाजरे रंग की साड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए यहाँ पे है। मतलब कि पीले रंग के ड्रेस को नहीं अलाउ किया गया है क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का मत था कि रंग को न बदला जाए, गहरे यही वाली जो साड़ी है गाजरी रंग की यही साड़ी सही है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी पड़ने पे भी एक दो बार में उतनी गंदी नहीं समझ आती। दूसरा आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के हेतु, अब यहाँ पे रामा ग्रीन बॉर्डर वाली हल्की गाजरे रंग की साड़ी, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह रामा ग्रीन कलर का यह बॉर्डर इसको कहते हैं, यह रामा ग्रीन कलर का बॉर्डर तथा हल्के गाजरे रंग की यह साड़ी यह सहायिकाओं के लिए है। इसके भी रंग को बदला नहीं गया है क्योंकि यह रंग दोनों ही सही थे, इसमें रंग को बदलने का कोई मतलब नहीं था। अगर यहाँ पे पीले रंग की साड़ी की गई होती तो धूल मिट्टी कालिख कुछ भी थोड़ा सा लगता और वो पूरी साड़ी भद्दी और गंदी लगने लगती। यह तो बहनों पहला पॉइंट हो गया। उसके अलावा और क्या निर्देश कार्यकर्ता बहनों के लिए दिए गए हैं इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस में भी बहनों आप शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए निर्देश क्या है यह हम आपको बता देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं ही साड़ी यूनिफॉर्म क्रय किया जाना सुनिश्चित करें। मतलब यह साड़ियां खरीदने आपको खुद ही जाना पड़ेगा, आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें, आप ही को जाके लेना पड़ेगा।
तीसरा पॉइंट जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों द्वारा साड़ी के क्रय हेतु जो प्रदायित राशि है, मतलब कि 1,000 रुपये है, उस राशि में स्वयं की राशि जोड़ के साड़ी क्रय कर सकती हैं, किंतु किसी भी स्थिति में साड़ी का रंग बॉर्डर के रंग शासन के द्वारा निर्धारित रंगों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब अगर 500 रुपये की एक साड़ी मिलती है, दो साड़ी का 1,000 रुपये शासन ने आपको दिया है, अब आप चाहते हैं कि जो शासन द्वारा साड़ी दी जा रही है उसकी क्वालिटी थोड़ा कमज़ोर है, कम है, अच्छी गुणवत्ता की साड़ी नहीं है, तो उस पैसे में आप अपना भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के और अच्छी क्वालिटी की भी साड़ी ले सकती हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि 500 रुपये की यह साड़ी सही नहीं है गुणवत्ता में जो कि शासन के द्वारा दी जा रही है, तो आप इसमें 200, 400 लगा के 600, 700, 800 वाली भी साड़ियां आप अपने मर्जी से ले सकती हैं। लेकिन जो भी साड़ी आप पैसे लगा के लेंगी, कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो साड़ी का रंग है वह नहीं बदलना चाहिए, बॉर्डर का रंग भी जो है वह नहीं बदलना चाहिए, साड़ी का रंग सेम होना चाहिए। मतलब कि शासन द्वारा जो निर्धारित रंग है उसी के अनुरूप ही साड़ी होनी चाहिए, चाहे आप अपना पैसा लगा के कहीं दुकान से और अच्छी क्वालिटी में ले सकती हैं। चौथा पॉइंट यह है बहनों कि यह सुनिश्चित करें कि कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता निर्धारित यूनिफॉर्म पहन कर ही केंद्र का संचालन करें। मतलब केंद्र का संचालन आपको सेम वही साड़ी पहन के जो कि ड्रेस कोड शासन के द्वारा लागू किया गया है निर्धारित रंगों वाला, उसी को पहन के आपको आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करना है, ना कि आप किसी भी रंग की साड़ी पहन के आंगनबाड़ी केंद्र चली जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप बस साड़ी खरीदी लेके चली आएं। कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों के खाते में जमा राशि का उपयोगिता प्रमाण आपको देना पड़ेगा, जो कि परियोजना कार्यालय में रखवाना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब कि आप जहां से भी साड़ियां खरीदें उनको आप बोल दें कि भैया हमको इस साड़ी का बिल भी बना के दे दीजिए। साड़ी का बिल लेना अति आवश्यक है। अगर आप जहां से साड़ियां लेती हैं, पैसे देती हैं, चली आती हैं, तो उन दुकानदारों को यह भी बोलिएगा कि भैया ये साड़ी तो आपने दे दी, इसका एक बिल भी बना के हमको दीजिए, क्योंकि साड़ी का जो बिल है वह परियोजना कार्यालय में जमा होगा, ताकि इससे यह पता चल सके कि जब कार्यकर्ताओं के खाते में अगर पैसा भेजा गया है तो क्या वह उन पैसों की साड़ियां ही ले रही हैं, या अपने अन्य किसी उपयोग में कार्यकर्ता बहनों ने उन पैसों को ले लिया। मतलब कि हर साड़ी खरीदने का आपको बिल बनवाना पड़ेगा और वह सभी चीज़ें परियोजना कार्यालय में पूरे बिल जमा होंगे। यह पूरे जो आदेश हैं आप लोगों के लिए वह स्वर्णिम शुक्ला जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि संयुक्त संचालक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में। इसी के साथ साथ यह पूरे जो निर्देश हैं समस्त कलेक्टर जिला मध्य प्रदेश को भी गए हैं, उसके साथ संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय महिला बाल विकास को भी यह निर्देशित किया गया है। परियोजना अधिकारी जो कि एकीकृत बाल विकास विभाग की हैं उनको भी निर्देशित किया गया है संयुक्त संचालक के द्वारा। तो बहनों, आप लोगों का जो ड्रेस कोड है वह बदला नहीं है, जो कि बहुत ही खुशी की भी बात है। और इसी के साथ साथ हम बता दें कि खाते में आप लोगों के 1,000 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा कि आपके खाते में अभी तक पैसा आया है या फिर नहीं आया है, तो उसको भी तो आप कमेंट करके हमको यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बहनों ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप तथा व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबरें पहुंच सकें। वीडियो बहनों पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की सभी खबरें आपको समय समय पर मिलती रहें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य एवं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बहनों नमस्कार।